अयोध्या के पटरंगा थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 27 पर देर रात एक डबल डेकर बस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बस में बैठे यात्रियों ने किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद पटरंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। SSP शैलेश पांडे ने बताया कि बस पंजाब के जालंधर से बिहार के पूर्णिया जा रही थी। आग तेजी से बस में फैलती उससे पहले ही सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल सभी यात्रियों को दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया था। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। थाना पटरंगा क्षेत्र में नेशनल हाईवे पे बीती रात लगभग 11:30 बजे एक यात्री बस जो जालंधर से चलकर आ रही थी और पूर्णिया की तरफ जा रही थी, जिसपे लगभग 90 लोग सवार थे, बस में अचानक किसी कारणवश आग लगी। परंतु तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग बुझाई, आग पे काबू किया और साथ ही साथ इंश्योर कराया कि किसी भी तरह की जनहानि इसमें न हो, कोई भी व्यक्ति इसमें हताहत नहीं हुआ। यात्रियों को विभिन्न माध्यमों से उनके गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कराया गया।